नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम SYBA इस कक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार रहीम के दोहों का अध्ययन करेंगे। रहीम के दोहों में से नीति, इस विषय का अध्ययन हम दोहों के माध्यम से करना हमारा अभीष्ट है। रहीम बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, कुशल राजनीतिज्ञ, सुयोग्य सेनापति, साहसी योद्धा तथा सफल साधक होने के साथ साथ एक भावुक कवि, गंभीर शास्त्रज्ञ, कुशल अनुवादक, बहुभाषाविद तथा उच्च कोटि के साहित्य मर्मज्ञ थे। जाति भेद, वर्ण भेद, धर्म भेद की लवलेश भी रहीम जी में नहीं था। उनकी दृष्टि में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। सभी के लिए उनके हृदय में सहानुभूति थी तथा करुणा का भाव था। उनकी उदारता और दानशीलता के संदर्भ में रहीम का नाम हमेशा भारतीय स्मृति पटल पर अजरामर रहेगा, स्मरणीय रहेगा। उनके द्वार से कभी कोई याचक निराश होकर नहीं लौटा। जीवन में नैतिक मूल्यों का, नैतिकता का एक अधिष्ठान होता है, उसका मूल्य होता है, और इसीलिए हमारे जीवन में नीति के साथ व्यवहार करना चाहिए। यही नीति के जो दोहे हैं, उन दोहों का अर्थ है। अर्थात रहीम नीति काव्यधारा के प्रवर्तक कवि हैं। नीति काव्यधारा उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से उन्होंने उद्धृत की है। अतः रहीम जी अपने दोहों के माध्यम से कहते हैं, खून मतलब हत्या, खैर खैर मतलब कुशलता, खून मतलब हत्या, खांसी मतलब खांसी आना, खुशी मतलब प्रसन्नता, बैर मतलब दुश्मनी, प्रीति मतलब प्रेम, मदपान अर्थात शराब पीना। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि कुशलता हो, किसी की हत्या हो, खांसी हो, प्रसन्नता हो, किसी के साथ दुश्मनी हो, प्रेम हो तथा मदपान अर्थात शराब पीना हो। मतलब यह जो नैतिक अनैतिकता से संबंधित जो बातें हैं, रहीमन कहते हैं, रहीमन दाबे न दबे इन दुराचारी विचारों को, इन अनैतिकताओं को कितना भी दबाने का प्रयास करे, रहीमन दाबे न दबे, परंतु उसे दबाया जाता नहीं, उसे छिपाया जाता नहीं। इन सभी भावों को जानत सकल जहान, जानत मतलब जानता है, सकल मतलब संपूर्ण और जहान मतलब विश्व। इन सभी भावों को सारा विश्व जानता है, सारा संसार जानता है कि उसे, कि उसी की कुशलता हो, किसी की खून हो, किसी खांसी हो, प्रसन्नता हो, प्रेम भाव हो तथा शराब पान हो, उसे कभी कितना भी दबाने का प्रयास किया तो वह दबता नहीं। सारा संसार, सारे लोग उसे जानते हैं, वह कभी दब सकता नहीं, कभी छिप सकता नहीं। अर्थात वह नीति से संबंधित जो जो बातें हैं, वह सभी संसार जानता है, सभी लोग उसे जानते हैं। रहीम अपने दोहों में कहते हैं, रूठे सुजन मनाइए, रूठे मतलब रूठने वाला, सुजन अर्थात सज्जन प्रेमी मनाइए। अगर कोई सज्जन मनुष्य अगर आपसे रूठ गया, जो रूठे 100 बार, अगर वह आप लोगों से 100 बार रूठ जाता है, वास्तव में सज्जन मनुष्य का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कारण उनके सानिध्य से अनेक अच्छे विचार, नीति से संबंधित विचार, आचरण, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। अर्थात सज्जनों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और इसीलिए कोई सज्जन अगर आपसे रूठ जाता है, अगर वो आपसे 100 बार रूठ गया, तो 100 बार उसे मनाइए, वह रूठा हुआ सुजन सज्जन वो आप लोगों के जीवन से दूर नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए रहीम कहते हैं, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार,
अगर वह सज्जन मनुष्य 100 बार भी अगर लुट जाता है तो उसे मनाइए, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार। अगर मोतियों का हार, मोतियों मोती अमूल्य है, और उसी तरह से यह मूल्यवान मोती जो है अगर वह टूट गए तो उसे कोई फेंक नहीं देता। उन मोतियों को बार बार पिरोया जाता है और उन्हें एक संग एक साथ रखने का प्रयास किया जाता है, उसी तरह से जैसे वह मोती वह अनमोल होते हैं, उसी तरह से वह टूटने पर हम लोग फेंक नहीं देते, उसी तरह से आप लोगों की जीवन में जो सज्जन लोग हैं, ऐसे सज्जन लोगों को कभी भी दूर जाने नहीं देना चाहिए, उन्हें बार बार मनाना चाहिए, कारण वह सज्जन वह सुजन हमारे साथ होना चाहिए, उनका संग का प्रभाव उनके आचरण का प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। और इसीलिए सज्जन मनुष्य को बार बार मनाइए, जितनी बार वह रूठ जाता है उतनी बार उसे मनाइए और उसे अपने समीप ही रखिए, उसे कभी भी आप लोगों के जीवन से दूर मत जाने दीजिए। और इसीलिए रहीम जी कहते हैं, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार रहीमन फिरी फिरी पोइए, फिरी फिरी पोइए मतलब बार बार उसे पोइए, टूटे मुक्ता हार, जैसा मुक्ता मोतियों का हार टूट जाता है उसे बार बार उसे पिरोया जाता है, उसी तरह से सज्जन लोगों को अपने समीप ही रखिए, अपने पास ही रखिए, जैसे मोतियों को बार बार पिरोते हैं उसी तरह से इन सज्जनों को बार बार मनाना चाहिए, जितने बार वह रुटता है। रहीम अपने दोहों में कहते हैं, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत बेलत नाही, जान परत है काकपिक ऋतु बसंत के माही। कारण जब तक हम लोग बोलते नहीं तब तक हमारा परिचय लोगों को होता नहीं, हमारे गुण लोगों के समझ में आते नहीं, इसलिए रहीम कहते दोनों। दोनों मतलब कौन? काक पिक। काक मतलब कौन? कौवा। और पिक मतलब कोयल। कौवा और कायल दोनों काले हैं, देखने के लिए एक जैसे हैं। दोनों मतलब काक और पिक, कौवा और कोयल रहीमन एक से, रहीमन कहते दोनों एक जैसे हैं, दोनों काले होते हैं, देखने के लिए एक जैसे होते हैं। जो लो बोलत नाही, जो लो मतलब जब तक, बेलत मतलब बोलत नाही, जब तक वह बोलते नहीं तथा वह कोयल कुहू कुहू करती नहीं, तब तक कौवा और कोयल दोनों का भेद हमारे पहचान में नहीं आता। उसी तरह से जब तक बोलते नहीं तब तक अच्छे लोग कौन है और बुरे लोग कौन है, उन दोनों के बीच का जो फर्क तथा अंतर है वह समझ में आता नहीं। इसलिए रहीम कहते हैं, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नहीं, जब तक बोलते नहीं, जान परत है काकपिक। जान परत है मतलब पहचान में आते हैं कि काक मतलब कौवा और पिक मतलब कोवल कोयल, जब वह बोलते हैं तभी समझ में आता है। ऋतु बसंत के माही, बसंत ऋतु के महीने में यह कोयल कुहू कुहू करती है और तभी उनके जो गुण है वह हमारे समझ में आती है। अर्थात जब तक कौवा और कोयल बोलते नहीं तब तक दोनों के बीच का जो अंतर है वह समझ में आता नहीं। अतः अपने गुणों का बखान करना चाहिए, कारण जब तक हम लोग बोलते नहीं, अपने भाव विचार उद्धृत करते नहीं, तब तक आपको कोई पहचानेगा नहीं। और इसीलिए वह कहते हैं, रहीम कहते हैं कि जब तक वह बोलते नहीं तब तक उनके गुणों का परिचय होता नहीं। नीति से संबंधित रहीम का दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई। बिगड़ी मतलब बिगड़ी हुई, बिगड़ी बात बने नहीं। अगर एकाध बात बिगड़ गई, एकाध चीज बिगड़ गई, बिगड़ी बात बने नहीं, वह फिर सवारी जाती नहीं। जो बात बिगड़ गई बिगड़ गई, लाख करो किन कोई, फिर उसे संवारने के लिए लाख करो किन कोई, किन कोई मतलब प्रयास। उस बात को संवारने के लिए तुम लाख प्रयास करो, कारण समय का अपने जीवन में एक मूल्य होता है, समय परिवर्तनशील होता है, समय चला गया चला गया, वह समय हमारी जिंदगी में वापस आता नहीं, दोबारा आता नहीं। और इसीलिए समय का मूल्य पहचानना चाहिए
और बात को बिगड़ने से पहले संवारना चाहिए। और इसीलिए रहीम कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फटे दूध को मथे न माखन होए। अगर दूध फट गया और उसे कितना भी हम लोगों ने मथने का प्रयास किया तो उनमें से माखन निकलता नहीं। जैसे बात अगर बिगड़ गई तो वो दोबारा संवारी जा सकती नहीं, इसलिए बिगड़ने से पहले उस बात को संवारना चाहिए। इसीलिए रहीम कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। धन्यवाद।